इस्लाम के नाम पर पता नहीं क्या होता है। जितने मजार यहाँ हैं इतने पूरे वेस्ट में नहीं है, जितनी फटकार यहाँ है वो पूरी दुनिया में नहीं। झूठ बोलते हैं, टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट की तो वजूद ही नहीं। खुदा जानवरों की अंतड़ियों से आपने अगर एडिबल ऑयल बनाना है तो टैलेंट है। कि वो रफी, हेमंत कुमार, वो जो लोग थे आज का हमारा सिंगर भी थे, बिल्कुल उनके रंग में रंग गए, यही जड़े उनकी अनअटेस्टेड फोटोकॉपी से। जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। जब कोई कौम क्रैश करती है उसका कुछ नहीं, बड़ा दिमाग पैदा हो ही नहीं सकता। 50% टिकर्स आपके टीवी पे गलत चल रहे थे। एक 2 साल के बच्चे के साथ जना करने वाला हरामजादा, ही लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। मैं जब देखता हूँ ना ये आवारा जानवरों की तरह फिरते हुए, मेरा खून खौलता है। व्हाट इज दिस, ये मरे हुए लोग, ये इतना यूथ है, क्या है भाई? आपस में झूठ बोलते बोलते जिंदगियां बिता। रूह का हुक्म है यहाँ कि मेरी कब्र की पूजा पाठ में इधर ना सोची झाड़ देते हैं, कहते चलो मुंह उधर कर काबा भर, अगर दुआ मांगनी है तो अल्लाह से मांग, इधर क्या करना, यहाँ कब्र परस्ती। अल्लाह आपको और हमें आदमी के तौर पे पैदा करता है, इंसान के तौर पे नहीं। आदमी से इंसान बनना एक जानलेवा स्ट्रगल है, इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। अब ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने इल्म को 2 हिस्सों में बांट दिया, ये दीनी ये दुनियावी उलूम। वो दुनियावी उलूम जो है वो भी दीनी है, इसको आपने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। हम सब कुछ करते हैं गुनाह और सवाब के चक्कर में, कभी सोचा हमने हमारी क्या औकात है गुनाह के? तो गुनाह और सवाब से आगे इंसान शुरू करता है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जिंदगी, एक सेकंड नहीं। नस्तीफा मुंह पे, 18वां ग्रेड लेटरल एंट्री में ले गया, मुझे पीछे कख भी नहीं था, मुझे लेफ्ट तो क्या, छोटी सी बात पे। मैंने कहा जी ये शहर है कोई, मैंने कहा गुरों का कब्रिस्तान है।